देश के सबसे स्वच्छ शहर और मां अहिल्या की नगरी इंदौर का 31 मई को धूमधाम से गौरव दिवस मनाया जाएगा। वहीं 25 मई से शुरू हुए गौरव दिवस सप्ताह के चौथे दिन 3 दिवसीय कला साहित्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के प्रख्यात साहित्यकार सहित कला जगत की हस्तियां शामिल हुई। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि अगले 3 दिन शहर में सुगम संगीत, खेलकूद, रंगोली सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। परिवार परामर्श केंद्र से शिवेंद्र भानुदय शुक्ला ने बताया कि पति पत्नी के बीच आपसी विवाद के 3 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें परिवार परामर्श केंद्र के सदस्यों द्वारा दोनों पक्षों की काउंसलिंग करने के उपरांत पति पत्नी साथ रहने को तैयार हो गए। दोनों पक्षों के बीच सकारात्मक रूप से चर्चा कर पति पत्नी के बीच समझौता कराया गया। वहीं 2 मामलों में दूसरा पक्ष उपस्थित नहीं होने के कारण उन्हें अगली तिथि को परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया। परिवार परामर्श केंद्र में आपसी पारिवारिक विवादों के मामलों में दोनों पक्षों को बुलाकर उनके बीच सकारात्मक रूप से चर्चा कर समझाइश देकर समझौता कराया गया। उभर रहे इंदौर का गौरव दिवस 1 सप्ताह के लिए मनाया जा रहा है। हमारी अनेक प्रकार की रुचियों के धनी सांसद जी ने कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा भी आपके सामने रखी है। 1 सप्ताह तक अनेक प्रकार के और अद्भुत कुछ कार्यक्रम हम लोग संपन्न करेंगे और याद करेंगे अपने इंदौर के गौरव। मित्रों, जिस महानगर ने पिछले कुछ वर्षों में दुनिया में अपना एक अलग स्थान बना लिया है, उसका गत इतिहास भी कम गौरवशाली नहीं, और इसलिए हम 7 दिन तक उसे बड़े आराम से उसकी विभिन्न गतिविधियों का उल्लेख करते हुए उसे संपन्न कर सकें। यहाँ की माटी ने मुझे संस्कार दिए, स्वाद का परिवेश दिया। मुझे तो ऐसा लगता है जो ईश्वर ने मेरी आवाज में यह मिठास का आभास कराया है, वह इंदौरी स्वाद का ही वरदान है। आप समझ ही गए होंगे, और यही मेरी शुभ इच्छा है कि मालवा के इस मीठी माटी में पुनः जन्म हो। अपने बारे में अब मैं क्या कहूँ, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी शुभ दिन है हम सबका गौरव गान गाओ पक्का, पर मत भूलो उस माँ को रानी अहिल्या माई, संसद में जो विराजे ऐसी इंदौर गौरव दिवस को लेकर लगातार 25 तारीख से लेकर 31 तारीख तक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, और उसी के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम में वृक्षारोपण का, जल संरक्षण का, महिलाओं का और खेलकूद का, आज कला साहित्य की शुरुआत हुई है। और इस कला साहित्य में 3 दिन लगातार कार्यक्रम करते रहेंगे। इंदौर गौरव के अंतर्गत सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारा माला उत्सव लालबाग में चल रहा है, जो 31 तारीख तक चलेगा। उसके अलावा आज साहित्य को लेकर हमने कीर्तनलाल दुआ सभागृह देवी अहिल्या लाइब्रेरी में साहित्यिक सम्मेलन शुरू किया है। आज साहित्यिक सम्मेलन ने कल लाइब्रेरियों को बुलाया है, यहाँ भी 3 दिन तक साहित्य का कार्यक्रम चलता रहेगा। इसके अलावा हमने गांधी हाल पर 24 घंटे सुगम संगीत को लेकर कार्यक्रम कल से प्रारंभ होगा, जो कल सुबह 6 बजे प्रारंभ होगा और परसों 6 बजे तक सुबह तक चलेगा, 24 घंटे चलेगा। हमारे दिव्यांगों ने भी कहा है कि हम भी, उनका भी टैलेंट है, उनकी जो दक्षता है उसको प्रदर्शित करने के लिए गांधी हाल में कार्यक्रम रखा गया है। और इसके साथ साथ हमारे जो समाज के वरिष्ठ लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन है इंदौर के, जिन्होंने इंदौर की यात्रा को देखा है, उनका भी हमने कार्यक्रम गांधी हाल में आयोजित किया है 30 तारीख रविवार को शाम को। और ये कार्यक्रम में इंदौर की गाथा के बारे में जानकारी दिएगी। तो पूरे शहर में अलग अलग स्थानों पर आज से ही 3 दिन तक लोक कलाओं का भी प्रस्तुति होगी। हर विधानसभा में ये कार्यक्रम होगा अलग अलग स्थानों पर।
तो पूरे शहर में गुस्सा का वातावरण है। संस्कार भारती वालों ने, बहनों ने ये निर्णय लिया है कि हम इंदौर के सभी चौराहों पर रंगोली 31 तारीख जो गौरव दिवस का पहला दिन है, गौरव दिवस का जो दिन है, उस दिन पूरे शहर में रंगोली प्रमुख चौराहे पर करेंगे। तो उत्साह का वातावरण में कला संस्कृति और साहित्य को लेकर भी है कार्यक्रम। शाहपुर से आशीष राठौर की रिपोर्ट।